प्लीज मेरी बात सुने। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात और कोई नया झूठ। मैंने मना किया था तुम्हें, मना किया था ना, उसके बावजूद भी तुम गई। मेरे ऑनर में पार्टी रखी गई थी तो क्यों ना जाती? तुम्हारे ऑनर में पार्टी थी और तुमने मुझसे कहा कि अनम की बर्थडे है, तुमने यहाँ भी मुझसे झूठ कहा। तो सच बोल के कौन सा इजाजत मिल जाती? मैं जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, जरा सी भी। किस बात की शर्मिंदगी कबीर, किस बात की शर्मिंदगी? लोग जान रहे थे मुझे, पहचान रहे थे, इज्जत दे रहे थे मुझे। इज्जत कहती हो तुम इसे? तुम्हारे लिए इज्जत है लोग? एक अनजान शख्स तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तुम हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तुम्हें अच्छा लग रहा था, ये सब कुछ, ये आजादी चाहिए तुम्हें, ये सब कुछ करना चाहती हो तुम? कबीर आप कुछ नहीं समझ रहे, मेरा करियर है ये। आपको तो हर बंदे से मसलों पे किस किस बात पे इतराज करेंगे? हर उस बात पर जिस पर मुझे इख्तलाफ होगा पलक, हर उस बात पर एतराज करूंगा। मुझे एतराज है तुम्हारे खुलिये से, तुम्हारे इस काम से और तुम्हारे उन लोगों से है मुझे एतराज। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, दबकुत है मेरे इस घर में। शट अप। अगर आज ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ ना इस वक्त, तो सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से। नहाज तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया तुमने। पलक अगर आज के बाद तुमने ये हरकत की ना, मैं कह रहा हूं कि मैं इस रिश्ते को भूल जाऊंगा। एंड आई मीन इट, एक भी गलती टॉलरेट नहीं करूंगा मैं। याद रखना, हटो मेरे रास्ते से।